2 अक्टूबर को सर्व प्रेत अमावस्या है। ये पितरों की आत्मा को शांति देने का एक आखिरी अवसर है। अगर आप अपने पूर्वजों की मृत्यु की तिथि नहीं जानते तो ऐसी मान्यता है कि आप इस दिन पूजा कर सकते हैं। पितरों के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान के जरिए उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि वैदिक पंचांग के अनुसार समय समय पर कुछ खास योग बनते हैं? हिंदू कैलेंडर की तिथि में बनने वाले खास योग जातकों के लिए लाभकारी होते हैं। ऐसे में खास बात है, साल 2024 में पितृ विसर्जन अमावस्या या कहें सर्वप्रित अमावस्या की। दरअसल 9 साल बाद इस दिन गज छाया योग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस योग में अच्छा फल मिलता है। इस दौरान पितरों के लिए किए गए धार्मिक कार्यों का 5 गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। साल 2024 से पहले गज छाया योग करीब 9 साल पहले बना था और उससे पहले ये करीब 38 साल पहले बना था, यानी साल 1977 में। अब साल 2024 में पितृ विसर्जन अमावस्या पर बन रही गज छाया योग के बारे में जानने के लिए लोकलिटी ने हरिद्वार के ज्योतिषी पंडित श्रीधर शास्त्री से बातचीत की। पितृ विसर्जन अमावस्या पर पितरों का श्राद्ध, पिंडदान, गंगा स्नान, हवन, यज्ञ आदि करने से पितृ प्रसन्न होकर अपने लोक लौट जाते हैं, साथ ही अपने वंशजों पर हमेशा कृपा बनाए रखते हैं। पंडित श्रीधर शास्त्री इस बारे में क्या कहते हैं, आइए आपको सुनाते हैं। पितृ विसर्जन अमावस्या को गज छाया योग बन रहा है। गज छाया योग किस प्रकार बनता है? सूर्य और राहु, अर्थात जो राहु की जो छाया है, राहु की दृष्टि जब सूर्य पर पड़ती है या केतु की दृष्टि जब राहु सूर्य पर पड़ती है तो ये गज छाया योग बनता है। तो जैसे हम गज छाया योग में कोई भी पितृ पक्ष के कार्य करते हैं उनमें हमें विशेष लाभ होता है, और क्योंकि यह संयोग बस जो 2024 की जो पितृ विसर्जन अमावस्या को योग आ रहा है यह बहुत शुभ है। इस दिन हमें जब हम पितरों की पूजा में लगे रहेंगे तो गज छाया योग होने के कारण इसका हमें विशेष लाभ भी प्राप्त होगा, क्योंकि जब गज छाया योग होता है इसमें कार्य करने से, जो द्विपक्षीय कार्य करने से विशेष हमारे जो पितर हैं वे प्रसन्न होते हैं, और क्योंकि जो कोई भी योग होता है वह बड़ी ही एक सौभाग्य से आता है, इसीलिए जो गज छाया योग में हमें अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए विधि विधान से और तन मन धन से अपने पितरों की पूजा करें, दान करें, यज्ञ करें और ब्राह्मणों को एवं गरीबों को यथाशक्ति अन्न, वस्त्र और जो उनके इच्छित वस्तु है उसको प्रदान करें, जिससे कि हमारा जो गज छाया योग जो पृथ्वी विसर्जन अमावस्या को आ रहा है इस पर हमें उसका संपूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। पंडित श्रीधर शास्त्री बताते हैं कि जब सूर्य और राहु या सूर्य और केतु की युति बनती है या सूर्य पर राहु या केतु की दृष्टि पड़ती है तो गज छाया योग बनता है। इस योग को लेकर धार्मिक ग्रंथों जैसे स्कंद पुराण, वराह पुराण, मत्स्य पुराण, महाभारत और अग्नि पुराण में वर्णन किया गया है। इस योग में पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान और आदि करने का बहुत महत्व होता है। जान लीजिए सर्वप्रित अमावस्या का दिन बेहद खास है। इस दिन अपने पितरों के लिए धार्मिक कार्य जरूर करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसी ही वीडियोस के लिए देखते रहें लोकलिटी।